नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको F6 5G वर्सेस ओप्पो रीनो 12 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F6 5G में 6.32 इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F6 5G में 2.93 इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो F6 5G में 0.31 इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F6 5G में 179 ग्राम्स जबकि रीनो 12 प्रो में 180 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F6 5G में 6.67 इंचेस जबकि रीनो 12 प्रो में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F6 5G में 1220x2712px FHD+ और रीनो 12 प्रो में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F6 5G में 89.95% जबकि रीनो 12 प्रो में 89.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F6 5G में 446 पिक्सेल प्रति इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F6 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और रीनो 12 प्रो की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F6 5G में 20 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और रीनो 12 प्रो की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और रीनो 12 प्रो में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F6 5G में Adreno 735 जबकि Reno 12 Pro में Mali G615 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F6 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और Reno 12 Pro में MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 12GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो F6 5G में नहीं है जबकि रीनो 12 प्रो में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F6 5G में 2 कलर्स जबकि रीनो 12 प्रो में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F6 5G 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 31,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें रीनो 12 प्रो की तो वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 39,090 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
पोको F6 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें ओप्पो रिनो 12 प्रो 5G की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G0 4G है, तीसरा Oppo F25 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Camon 35G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।